ओम शांति, ओम शांति। अर्जुन सारी सभा इतनी बड़ी बड़ी फुलहाल है, ऐसा मीठा मीठा ओम शांति बोलो, फिर मैं बताऊंगी क्या बोलना है। ओम शांति, वंडरफुल। बाबा मीठे बच्चे, ये गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य देवता नरसिंह नारायण बनने की। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न, मनुष्य देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो, कौन सी मेहनत करते हो मनुष्य देवता बनने की, इसमें कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, आंखों को, ये आंखें है ना, अटेंशन प्लीज, आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की। ये आजकल जो मूल्य है ना उसमें बाबा इंग्लिश अक्षर बहुत बोलता है, पहले नहीं बोलता था। जैसे जैसे बच्चे पैदा हुए ना, आंखों क्रिमिनल से सिविल, अभी आंखें सब चेक करना। साथ साथ मीठा बनने की, सत्यों में तो है ही सबकी आंखें सिविल, वहां ये मेहनत नहीं होती। यहां पत शरीर पत दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, ये निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई समय बाबा ने कहा, बच्चे हम आत्मा भाई भाई है, ये प्रैक्टिस करो, बहन भाई पीछे, पहले भाई भाई। ये बाबा ने जो विधियां बताई है ना, वो प्रैक्टिकल अमल में लाने से बहुत फायदा हुआ है। दूसरा प्रश्न, भक्तों के किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर, कहते हैं हे बाबा जब आप आएंगे हम आप पर बारी जाएंगे, तो आना सिद्ध करता है वहां जाए नहीं है ना, सर्वव्यापी नहीं है ना, जब पुकार रहे हैं तो पुकारना बताता है सर्वव्यापी नहीं है ना। अच्छा उत्तर, ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, सुनो अटेंशन प्लीज, बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो ये तो जानते हो, एक ही वेद का बाप है जिसको सुप्रीम रू कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परमपिता है ना, परमपिता माना परमपिता परमात्मा। ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो, कितने भाग्यशाली हैं। परमपिता परमात्मा ही परमात्मा है, परमपिता ही। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम बच्चों ने सुना था, तुम जानते हो। आत्मा, अभी देखो आत्मा बहुत सूक्ष्म छोटी है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। इन आंखों से आत्मा को देखे ना, नहीं देखा है।
हाँ देखने में आ सकता है, परंतु दिव्य दृष्टि से वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना, आत्मा को ज्ञान की चक्षु मिलती है। बाबा ने समझाया है, बोध भक्ति करते हैं जिसको नौदा भक्ति कहते हैं, जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय था नहीं, पर मीरा को तो भी 500-600 साल हुआ, पर साक्षात्कार जो वैकुंठ हो चुका था उसका होने से खुशी में नाचती थी। जो पास्ट हो गया पर वैद्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान गणेश आदि के चित्रों की भक्ति बोध करते करते जैसे उसमें लव, उसके प्यार में लव में आ जाते हैं। बल दीदार होगा पर तो उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है, मुक्ति फिर जीवन मुक्ति का रास्ता न्यारा है बिल्कुल। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बनाते हैं कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसी तुम, अभी तुम समझते हो जैसी तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है। साइज अटेंशन देखो, साइज एक ही है। इतना बाबा कहते हैं पूरा अच्छी तरह से जानो समझो। कहते भी हम सब ब्रदर्स है, आत्माएं सब भाई भाई है, बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई है। बेहद का बाप एक है, पूरा समझ में आया ना? ये समझने की बात है, यह ज्ञान की बातें हैं जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठिकर बितर में है, ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तब वारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते आप आएंगे तो वारी जाएंगे, इसका मतलब यहां नहीं है ना। मेरा तो आप दूसरा न कोई, मेरा तो आप दूसरा न कोई, जरूर उनको याद करना पड़े ना। बाबा हर एक शब्द का ऐसा समझाता है, फिर देखता है बच्चे समझ रहे हैं ना पूरा, यहाँ आंखें थोड़ी नींद कर रही है, जिसकी आंखें थोड़ी ऐसी हो रही है समझो समथिंग रॉन्ग है। बोली सुनते हैं तो बाबा सब देखता है, कैसे बोली सुनते हैं। ये बापी बे बच्चों को समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये जो गाया जाता है, अभी दूसरी बात सुनो, ये जो गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिस्सा भी समझाया है। कभी आत्मा परमात्मा से बहुकाल से बिछड़ी है, बहुकाल से अलग तुम आत्मा रहती हो, अब बाप के पास आए हो, बिछड़ी आत्मा आई हो राजयोग सीखने के लिए। बाप तो सर्वंट है, बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वंट। बाप सब बच्चों का सर्वंट है, कहते बच्चे हम तुम्हारा सर्वंट हूं, तुम कितनी हुज्जत से मुझे बुलाते हो, भगवान आओ, वो
बहुत चिल्लाते थे, मैंने तो बहुत चिल्लाया। आकर हम पत्तों पावन बनाओ, पवन होते ही है पवन दुनिया में, ये समझने की बात है। बाकी तो दुनिया में सब क्या है, क्या बाबा ने कहा होगा, कनरस, कथाएं वार्ताएं सुनते हैं, कनरस। पवन होते ही पवन जय है गाल फादली वाल यूनिवर्सिटी, ए मैन ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनना बनाना। बच्चों को ये निश्चय है, हमको ये बनना है, जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा मैं बैरिस्टर से सर्जन से तो सीखेगा ना, एम एन ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं होगा तो तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य देवता नर से नारायण बनते हैं, ये है सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है, कथा क्यों कहा जाता है बाबा? देखो एक एक शब्द का अर्थ होता है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले की ये नॉलेज सीखी थी तो पास्ट को कथा कहा जाता है। भाई कभी समझा मैं तुझे, कथा क्यों कहा जाता है? बस 5000 वर्ष पहले भी सीखी थी, वो सारी स्टोरी सुनाता है, कथा सुनाता है। ये है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, ये भी समझो। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो, अपन को कहते हैं हम पापी नीच विकारी है। मंदिर में क्या कहते हैं, हम पापी नीच विकारी है। आप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण हो। देवताएं कब थे, जरूर कहेंगे सत्युग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। तमो प्रधान बुद्धि, बाप के टाइटल अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी यह कलयुग, सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है, एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमें घर बार छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना, तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो। क्यों? समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैर आ गया। वो लोग तो घर बार छोड़ पर अंदर घुसाए है, पहाड़ों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते हैं। कुटियाएं बनाते तो भी कितना खर्चा करते हैं, वह तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सप्तमों प्रधान है, अभी है कलयुग। सत्युगी देवताओं के चित्र न होते ना तो स्वर्ग का नाम निशानी गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब भी मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति विहार की कथाएं सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे नहीं कहना भक्ति छोड़ो, किसको ये नहीं कहना भक्ति छोड़ो। मेरे पास स्टोरीज बहुत है, पर अभी मूली के टाइम पर नहीं सुना। पर कोई आत्मा थी,
भक्ति बहुत अच्छी लगती थी, पर बाबा का ज्ञान भी बहुत अच्छा लगा। तुम कहा बाबा मैं भक्ति नहीं छोड़ सकती हूँ। बाबा ने कहा भले भक्ति करो, मैं नहीं कहता छोड़ो। तो मधुबन में आई पहली पेच, गुजरात से माता निकली थी, आई तो अपनी मूर्ति पूजा लेके आई, दादी वाला जो कमरा उसमें बाबा ने ठहराया, पूजा की, फिर आधा घंटा के बाबा से मिली, भक्ति छूट गई। बाबा नहीं कहते छोड़ो, भले लेके आओ अपना। कब मैं ऐसे बाबा नहीं खा सकती हूँ, पूजा के बिगर नहीं चल, भले करो। कितनी भक्ति हम लोगों ने की होंगी, क्या बड़ी बात है, पर सब भूल गया। चलो किया, भटक रहे हुए थे, पर अभी भगवान मिला तो क्या करने का है, देवता बनने का है बस। बाबा ने समझाया भी है किसको, ऐसे कहना नहीं भक्ति छोड़ो, ज्ञान आ जाता है ना फिर आप पे भक्ति छूट जाती है। समझते ना मैं आत्मा हूं, भेद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले भेद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया, बाप की पहचान चाहिए, फिर निश्चय हो गया तो भेद के बाप से बुद्धि लग जाती है, हद से निकल जाती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, अटेंशन ये रखें देहधारियों की याद न रहे। भले शरीरवाद काम करो, सब कुछ करो, याद कोई देहधारी की न रहे। जिस्मानी वो है जिस्मानी यात्रा, ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है, यहाँ धक्के खाने की बात नहीं है। याद करने के लिए कोई बैठना भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते है क्या, दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है वह चीज याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या, ये है नई बात। कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई, शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है उनका नाम रूप क्या है। शिव बाबा को तब भी याद कर सके जब उसका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं, अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पहलो के बाप को जानता हो, वह बापी ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य से देवता बनाने की। बापी ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। याद ही बाप कहते हैं रोज रोज तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूं, उसमें मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाते हैं। बाबा रोज कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूं। कहते भी है चमकता है अजब सितारा, चमकता है अजब सितारा, आत्मा शरीर से निकलती है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है आत्मा निकल गई, कहा जाता है आत्मा निकल गई, पर कैसे निकल गई दिखाई नहीं। जाकर दूसरे शरीर प्रवेश किया, तुम जानते हो
आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते लेते अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा ग्रस्त हम भी पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र है दोनों की पूजा करते हैं। अब आप पवित्र हो, हम अपवित्र है, वो दोनों पवित्र है, या दोनों अपवित्र है, तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाबा समझाते हैं, पहले तुम आत्माएं आप पे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप पे ही पुजारी अपवित्र बने हो, 84 जन्म लिए है। अभी 84 जन्म समझना पड़े, 84 जन्म लिए है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाकर भी तुम जानते हो कौन कौन राज करते थे, कैसे राज मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे, रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तक थे। अभी आस्तक बनने से नास्तक थे, नहीं जानते थे। भाई कोई कहे तुम नास्तक हो तो गुस्सा लगेगा, पर बाबा ने रियलाइज कराया नास्तक थे। अभी आस्तक बनने से कितने सुखी बन जाते हो, तुम यहाँ आए ही हो ये देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है, समझा? इस समय कौन पुरुषार्थ करता है, मीठा बनो। कल गुलजादा जी के आगे हम सब बैठे, थोड़ा दो बैठे, बाबा का मुस्कुराना कैसा मीठा है, ऐसे मुस्कुरा कर दे, कितना मीठा, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान, कितना मीठा बनाता है। इसमें भी मेरे पास एक कहानी है, पर अभी नहीं सुनाती हूँ। मीठा बनने की भी थोड़ा कोई समय दृढ़ संकल्प किया जाता है, कुछ भी हो जाए मेरा रिएक्ट न करूं, मेरा मूड चेंज न हो जाए, सदा तो एक बाप के संभव में एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा न सके, ऐसा मेहनत करनी पड़ती है। आंखें ही सबसे जाती क्रिमिनल होती है, आधा कल्प क्रिमिनल रहती है, आधा कल्प सिविल रहती है। सत्युग में देवताओं की आंखें सिविल रहती है, यहाँ क्रिमिनल रहती है। इस पर सूरदास की कथा भी बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में, जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजा के थे, जो सत्यों में जब आएंगे ना, कृष्ण अपने यहाँ जन्म लेंगे, राधे अपने, फिर प्रिंसेस प्रिंस प्रिंसेस थे, पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर उन्हों की डिनेस्टी गाई जाती है, संपत्ति भी उनसे कहा जाएगा, सत्यों की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष है, रात दिन का फर्क हो गया, रात ब्रह्मा की आधा कल्प, पर दिन भी ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख, ये सब बातें बाप समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे, समझा के फिर कहते हैं मीठे बच्चे, अपन को आत्मा समझ, सोधर में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है, याद करते करते तो पावन बन जाएंगे,
पत्ते तो पवन है, देखते याद करते करते कितने पवन बने हैं। अंत मते सो गते, बाप स्वर्ग का रचता है ना, तो याद दिलाते है तुम स्वर्ग के मालिक थे, पत्ते तो इसलिए वहां जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो, सत्यों में जाने लायक नहीं हो इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गॉड है, एक ही दुनिया है, मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, जितनी जुबान उतनी बातें, यहां है एक मत अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया है, वहां एक मत एक राज था, तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, भारत कितना शाहूकार था, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यहां तो देखो बैठे बैठे चला गया, चारों तरफ से मौत है, वहां तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए, अभी तुम ईश्वर बाबा कितना बारी बाबा ने कहा होगा याद करना, ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, गिनती का नाम बोली बाबा कितना बारी बोला, तुम अभी तुम सारे योगेश्वर योगेश्वरी बन बनेंगे राज राजेश्वरी, अभी वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने, ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इनो को राजो किसने सिखाया, ईश्वर ने सिखाया, वहां उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है, वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, मर गया तो खलास, अकाले मृत्यु सबके आते रहते हैं, सत्युग में ये लार नहीं है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, नहीं एक खाल छोरी दूसरी ले लेते, जैसे सर्प का खाल मिसाल देते हैं, वहां सदी में खुशी खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं, तुम सुखदाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा अच्छा फिर क्या होगा, मीठे मीठे बोलो तभी, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सभी ने नहीं बोला, क्या करते हो, मैं क्या करूं, धारणा के लिए मुख्य सार इस पुरानी दुनिया से वेद का संन्यास करना है, सार मुरली का क्या है, वेद का संन्यास करना है, शरीर निर्वार्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है, दूसरा पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल बनाना है, एमएन अपडेट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है, कल बाबा आ रहा है अपनी आंखों को देखना कैसी आंखें मेरी है, वरदान सेवा के क्षेत्र में, अटेंशन प्लीज, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व सेवा, स्व सेवा फिर सर्व सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भवा। मैं एक सेकंड साइलेंस कर देखती हूं किसने स्व सेवा सर्व सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव है, सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है, स्व सेवा आवश्यक है, ये बैलेंस सदा स्व में
और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। ये बैलेंस स्व का और सेवा का बैलेंस उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों का बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, बैलेंस रखने से कमाल होती है। नहीं तो सेवा में बैर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय, सुन लो, कमाल के बजाय अपने वहां दूसरों के भाषा के धमाल में आ जाते हैं। वंडरफुल है, वरदान कहा, यहाँ कमाल या धमाल, भाषा के धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। सेवा में से बुद्धि होने से माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को, अपने विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। समझा? ओके, ओम शांति।